थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि मान लो यहाँ बीच में टॉवर है, इधर भी एक रोड है और इधर भी रोड है। अब इस तरफ मान लीजिए कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर ए बी, इसको सी बोल दिया और इसको बोल दीजिए डी। इधर कोई व्हीकल खड़ा हुआ है और यहाँ टॉवर के टॉप पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो उस व्हीकल को देखता है, ऐसे देखता है। तो वो देखेगा तो अब यहाँ पर जो इंसान खड़ा हुआ है उसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे टॉवर पर तो मतलब बिल्कुल हम ऊपर आ गए हैं, एक हाइट पर आ गए हैं, तो वहां पर ग्राउंड तो नहीं मिलेगा हमको, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से बनाएंगे हम, जो ये ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आपको बनानी है। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी, इस वाले एंगल को आप बोल दीजिए अल्फा, अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, कुछ भी, ये तो मतलब हमने ऐसे ही बोल दिया। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हियर अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत ज्यादा। और ये इंक्लिनेशन, एलिवेशन को इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। और अब आप ये देखिएगा कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जब ये ग्राउंड के इसके पैरेलल है, तो फिर ए डी इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी एंगल अल्फा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और मेरे को समझ में आती है कि अगर इस पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ टॉवर पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई इसको देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर ये इंसान दोबारा इसको देखेगा, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन के ही इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ये एंगल बनेगा थीटा, तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा जाता है तो ये एंगल भी सेम बनेगा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है, और कभी भी हमको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक फॉर्मूले की यहाँ जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा वो पड़ेगी टेन थीटा की, और टेन थीटा का भी फॉर्मूला कौन सा, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप ये देखिएगा कुछ नहीं, वो आइडेंटिटी वगैरह जैसे ये लिखा हुआ है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये लगता है ऐसा कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तो और भी ज्यादा टफ होगा, ऐसा नहीं है, ये बेहद आसान है। यहाँ पर उससे बेहद आसान, उससे बेहद आसान मैं कह रहा हूँ, उसका शायद ये 1/3 होगा, इतना आसान है। ठीक चलिए, अब यहां पर मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, और अब आप देखिएगा कि क्या हमको करना होता है। पेज नंबर 198, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 198, एग्जाम्पल 1। अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। एक टॉवर है, इसको बोल दिया ए बी, ठीक है, एक टॉवर है, इसको हमने ए बी बोल दिया। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। फिर हम यहाँ से फुट ऑफ द टॉवर से एक पॉइंट ले लिया विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। इस पॉइंट को बोल दिया सी, ठीक है, ये 15 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब वो बोलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो ये जो टॉवर है ना, इस टॉवर की हाइट को मैंने मान लिया एच, ठीक है। अब आप बस इतना सा सोचिए इसमें कि ये 60 डिग्री है इधर एंगल,
अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि जब भी कोई राइट ट्राइंगल होता है तो राइट ट्राइंगल में जो एंगल मेरे पास अवेलेबल है 90 डिग्री के अलावा, जो एंगल अवेलेबल है उस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बचता है दैट इज कॉल्ड बेस, वो बेस होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड मेरे पास ये है परपेंडिकुलर जो मुझे कैलकुलेट करनी है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, उसको छोड़ो, ये वाली साइड क्या हो गई? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये कहें यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधा लिख रहा हूं मैं AB/BC। अब tan 60 डिग्री कितना है? √3 इज इक्वल टू AB कितना है? H अपॉन BC कितना है? 15। 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H की वैल्यू क्या हो गई? 15√3 मीटर। आप इसमें जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना √3, है ना? तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से h की वैल्यू 15√3 मीटर आ गई। ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें क्या है कि इसमें आप आंसर को √3 की टर्म्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, √3 √2 इस टर्म्स में आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको कैलकुलेट करना, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि √3 की वैल्यू आपको ये सब्सिट्यूट करनी है, या ये भी ना बोलें कि सब्सिट्यूट करनी है, वो सिर्फ आपको बता दें कि √3 की ये वैल्यू है, तो फिर आप समझ जाना कि जब √3 की वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को मुझे सब्सिट्यूट तो करना होगा। यहाँ पर, यहाँ नहीं दे रखा है तो 15√3। ना 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 ना, 60 डिग्री तो ये हो गया, एंगल की वैल्यू तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता होगी, tan 60, tan 30, tan 45, वो सोचेंगे कि ये तो आपको पता होनी चाहिए, तो वो टेबल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और जो हाइट, जैसे आप √3 और √2 है तो इसकी वैल्यू वो आपको देंगे तो निकाल लेना, नहीं तो नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दो वैल्यूज याद रखनी है, लिख लो, √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, एंड √3 इज इक्वल टू 1.732। ये दो वैल्यूज आप याद रखिएगा। यहां तक बताइए, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 सेम, पेज नंबर 198 सेम है। इसमें दिया, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, उसकी हाइट 5 मीटर है, हमने ये माना ये पोल है, इसकी हाइट 5 मीटर है। She needs to reach a point 1.3 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. तो उसको इस पोल की बिल्कुल जो टॉप है पोल का, वो तो 5 मीटर की हाइट पर होगा, तो उसको ना यहां तक पहुंचना है। जो इलेक्ट्रीशियन है उसको उसको रिपेयर करने के लिए यहां तक पहुंचना है, मतलब ये जो ये वाला पॉइंट है यहां से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे का मतलब क्या है? ये टोटल 5 मीटर है, तो बेटा ये कितना बचा बताओ? 3.7 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप ये सोचें कि वो बोल रहे हैं वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर सो दैट शी शुड यूज, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच वेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। तो वो पूछ रहे हैं कि लैडर, ये सीढ़ी है, आप ये समझ लीजिए कि इधर पोल है, ये पूरा लंबा पोल है,
अब उसको रिपेयर वर्क करने के लिए, मान लीजिए फैन को हमको रिपेयर करना है, तो हमें कोई स्टूल या टेबल लगाकर, ऐसा थोड़ी है कि हमें फैन तक ही पहुंचना है, वहां तक तो नहीं पहुंचना ना, कुछ तो हमारी भी हाइट है, तो हम सोचते हैं कि छोटा सा स्टूल मिल जाए तो, और फिर उसमें हमारी भी हाइट ऐड हो जाती है और फिर हम उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से उसकी भी कुछ हाइट होगी इलेक्ट्रिशियन की, तो उसको 1.3 मीटर नीचे तक ही सीढ़ी को लगाना है। तो वो पूछ रहे हैं कि लेडर वो 60 डिग्री पर इंक्लाइन करेगी नीचे, ग्राउंड से 60 डिग्री पर। उसने लेडर को इंक्लाइन करा, तो वो पूछ रहे हैं इस लेडर की लेंथ बता दीजिए, तो लेंथ ऑफ लेडर को एल मान लिया हमने। ए बी, इस पॉइंट को सी बोल दो और इस पॉइंट को बोल दो डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये इस तरीके से हो गया। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, यहाँ क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी tan मत निकालो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही, साइन। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो बस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आप लिखें sin 60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी सी। अब sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, नहीं वो tan 60 डिग्री होता है, √3 tan 60 डिग्री होता है, तो sin 60 डिग्री होता है √3/2। नहीं, किसी किसी जगह देखे साइन भी यूज हो सकता है, √3/2। अब डी बी कितना हो गया, डी बी 3.7, यहां से यहां तक वो 5 तो टोटल है, 3.7 अपॉन डी सी कितना है, एल मल्टीप्लाई करिए, एल इंटू √3, हाँ इज इक्वल टू 2 × 3.7। अब ये √3 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 × 3.7 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर वाला √3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। नीचे भी कर दो √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर दो, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा ऊपर आ गया 2 × 3.7, तो ये क्या हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर जो √3 है इसकी वैल्यू डाल दो, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि √3 की वैल्यू आपको लिखना है 1.73, तो मैंने ले लिया 1.73 अपॉन √3 × √3, कितना हो गया नीचे 3, ये 3 हो गया। 7.4 और 1.73 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन पॉइंट फोर इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करिए, फोर 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, ठीक है 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 2 6, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12, 2 9 + 1 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 6 7 + 1 8, तो ये हो गया 12.802, यही आ रहा है। L इज इक्वल टू 12.802 अपॉन 3, डिवाइड करिए, ये हो गया 3 4 जा 12, फिर इधर 3 2 जा 6, अब इसमें से 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 2 0 20, तो 3 6 18, 23 तो 2 4.67, अब इसको हटाकर 2 4.27 हो गया, ये 4.27 मीटर।
इतनी लंबी उसको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है, 4.27 मीटर। इसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। वो कह रहे हैं कि ये जो पोल है, इस पोल का फुट यहाँ पर है, यहाँ से लेडर कितनी दूरी पर, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो ये डिस्टेंस भी बताना है हमको, समझ गए समझ गए, ठीक है। चलिए जी अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हाँ फिर नहीं वही करना है, अब तो sin 60 डिग्री, अब tan 60 लगा दो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो अब करिए tan 60 डिग्री। बताता हूँ भाई, जब हमें ये देखना है tan 60 डिग्री की बात कर रहे हो तो डी बी लेंगे ना भाई, ट्राइंगल होना चाहिए पूरा। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो वो तो ट्राइंगल से बाहर हो गया ना, बहुत लंबी लेंथ ट्राइंगल के बाहर निकल गई वो लेंथ। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री है √3 इज इक्वल टू डी बी है 3.7 अपॉन बी सी। ये मल्टीप्लाई करिए तो बी सी √3 इज इक्वल टू 3.7, बी सी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, ठीक है। अब फिर से वही है, √3 डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या अभी डालेंगे, रुको रुको तो सही, मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूँ। ये हो गया नीचे √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3। देखो होता क्या है कि √3 की वैल्यू क्या है, 1.73। अगर मैं यहाँ पर 1.73 वैल्यू डालूंगा तो आप खुद सोचिए, ये पॉइंट वाले नंबर से पॉइंट वाले नंबर को डिवाइड करना थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, हाँ मल्टीप्लाई करने में उतना मेहनत नहीं लगती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो समझ में आ गया, बी सी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3 इतना हो जाएगा, फिर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ऊपर कर दिया, ठीक समझ गए। हाँ अब डिनोमिनेटर में √3 × √3 क्या हो गया, 3, और न्यूमरेटर में 3.7 × 1.73 अपॉन 3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो हमारे पास 7.4 × 1.73, 7.4 × 1.73 अपॉन 3, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया था, 4.27। इस 7.4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3.7 × 1.73 अपॉन 3। खुद देख लो 2 × 3.7 क्या होता है, 7.4, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3.7 था, आपने 2 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई करा है, जबरदस्ती डिवाइड भी कर दो। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे दोबारा बताता हूँ, 3.7 × 1.73 अपॉन 3 ये था ना हमारे पास, तो ये तो हमारे पास ये वैल्यू थी। लेकिन इधर मैंने क्या देखा, इधर मैंने देखा कि 7.4 × 1.73 अपॉन 3, इस पूरे की वैल्यू 4.27 मेरे पास आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको 7.4 × 1.73 अपॉन 3 मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा इसको, तो वो कैसे बनेगा, 3.7 में सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.4 × 1.73 अपॉन 3 आ जाएगा। तो 2 से आपने जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो फिर आप डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी वैल्यू आ गई 4.27 और मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 7 − 6 कितना हो गया, 1 × 2 = 5, तो 2.135, जिसको अप्रोक्सीमेटली 2.14 बोल सकते हैं, 2.14 मीटर। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, ऑनलाइन वाले बताएं, ठीक यस सर, है। यस सर, चलिए जी ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।
3, एग्जाम्पल 3 में है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री. वॉट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो चिमनी मतलब जो, अरे किचन वाली चिमनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चिमनी मतलब जो जहाँ पर वो होता है ना, बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, तो उसकी चिमनी जो धुआं ताकि ऊपर चला जाए. और चिमनी को ऊंचाई तक क्यों बनाया जाता है, लंबा टॉवर जितना क्यों बनाया जाता है, ताकि धुआं ऊपर चला जाए, नीचे लोगों की हेल्थ ना खराब हो, ठीक है, ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर चले जाए, इसलिए. हाँ, वो बड़ी वाली जो चिमनी होती है, तो हमने ये कहा कि ये बड़ी वाली चिमनी है. हाँ, अब एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर को बोल दो, ऑब्जर्वर की हाइट इन्होंने दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर, ये ऑब्जर्वर की हाइट है, एंड शी इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. ये चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, ठीक है. ए बी, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, मतलब चिमनी के बेस को बोल दीजिए सी और चिमनी के टॉप को बोल दीजिए डी. ए बी सी डी, ये हो गया. अब वो बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री. तो इसकी आईज से जो इसके टॉप का जो एंगल है, वो कितना है, 45 डिग्री. ये 45 डिग्री है, मतलब हमने ये माना कि ऑब्जर्वर की आईज बिल्कुल इसके मतलब सर पर ही होती है आईज, तो हमने माना कि ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी आईज है, और यहाँ से उसकी जो आईज से जो एंगल बन रहा है चिमनी के टॉप का, वो 45 डिग्री बन रहा है. तो वो जो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है. हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे बनाऊंगा, जो ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल आपने एक लाइन बना दी, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, ठीक है. तो ये हो गया 45 डिग्री. ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई. ऑब्वियस सी बात है, जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा. आप ये कहिए यहाँ पर, इन ट्राइंगल डी ई ए, इन ट्राइंगल डी ई ए, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई. बिल्कुल सही, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई. ए ई किसके बराबर है, बी सी के इक्वल है, तो 28.5 होगा ये भी. 28.5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हो गई 28.5 मीटर. वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, वो चिमनी की हाइट पूछ रहे हैं. तो चिमनी की हाइट जो है वो सिर्फ डी ई नहीं होगी, चिमनी की हाइट होगी पूरा ग्राउंड तक, तो उसमें डी ई और ई सी, डी ई प्लस ई सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है. देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, कितना हो गया, बिल्कुल सही, 30 मीटर. बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? यस सर, यस सर, चलिए ठीक है. ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4.
एग्जाम्पल नंबर फोर, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी. यू मे टेक √3 इज इक्वल टू 1.732. ठीक है, अब देखो शुरुआत से क्वेश्चन पढ़िए. फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखी है, मैं क्या करूंगा, मैं बिल्डिंग यहाँ बना दूंगा. ये तो हो गई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी 10 मीटर. और ये वाला पॉइंट है पी. फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड बोला ना इन्होंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये कितना है 30 डिग्री. अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री. यहां पर एक फ्लैग होस्ट कर दिया जाता है, इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी. इसको बोल दिया सी, ए बी सी. इसे अगर मैं सी को देखता हूं, मतलब फ्लैग के टॉप को देखता हूं, तो एंगल बनता है पूरा, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये पूरा एंगल बन जाएगा 45 डिग्री. तो कुल मिलाकर अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसकी एसी की लेंथ बतानी है. इस एसी को आप मान लीजिए बेटा एक्स, और एसी क्या है, हाइट ऑफ द फ्लैग. ये फ्लैग की हाइट हो गई. ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग एसी बी एक्स मीटर. ये टॉप, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर आपने एसी हाइट का फ्लैग लगा दिया, उसकी हाइट को आपने एक्स मान लिया, एक्स मीटर. अभी मैं क्या बोलूंगा इसमें कि अब मुझे ना दो राइट ट्राइंगल्स यहाँ नजर आते हैं. एक तो राइट ट्राइंगल ए बी पी आपको रखे आगे, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, समझ गए, आपको रखे आगे, आपको रखे आगे. क्यों एबीपी न्यूज नहीं देखते, एबीपी न्यूज में लिखा हुआ आता है ना आपको रखे आगे. अरे ये बहुत अच्छा करा तुमने, सही में न्यूज देखकर तो टेंशन हो जाती है, न्यूज ना देखो अपना आराम से रहो. हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है. इन राइट ट्राइंगल एबीपी, एबीपी में जो एंगल बन रहा है बेटा पी पर, वो बन रहा है 30 डिग्री. तो मैं बोलूंगा टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू एबी अपॉन बीपी. एबी अपॉन बीपी अब क्या हो गया, तो फिल्में देखने का बड़ा शौक है, जब देखो फिल्मों की बात है. मैंने कहा कि फिल्मों की कोई बात मैंने करी. वन अपॉन √3 इज इक्वल टू ये ए बी कितना है 10 अपॉन बीपी. अब बीपी इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बीपी, और 10 इंटू √3 क्या हो जाएगा 10 √3. यहां से बीपी की वैल्यू 10 √3 आ गई. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब कहेंगे इन ट्राइंगल सी बी पी, इन ट्राइंगल सी बी पी, सी बी पी में क्या है, ये पूरा जो एंगल है 45 डिग्री,
45 डिग्री इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी पी। अब टेन 45 डिग्री क्या है, 1 इज इक्वल टू सी बी, ये पूरा सी बी क्या है, एक्स प्लस 10। अपॉन बीपी, बीपी इंटू 1 करेंगे ये हो जाएगा बीपी। सर रूट थ्री भी तो होगा, 10√3। अरे रुक तो जाओ एक मिनट, हाँ हाँ पता है ना, रुक तो जाओ। बीपी इज इक्वल टू, अब यहां से बीपी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे कर लो। बीपी की वैल्यू 10√3 है, या तो 10√3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, या ये बोलो इक्वेशन 1 में बीपी की वैल्यू 10√3 है और बीपी की वैल्यू एक्स प्लस 10 है, दोनों को इक्वेट कर दो। भाई जब बीपी की वैल्यू 10√3 भी है और बीपी की वैल्यू एक्स प्लस 10 भी है, इसका मतलब एक्स प्लस 10 और 10√3 इक्वल हो गया ना। बस कंपेयरिंग, आदित्य कुछ बोल रहे थे क्या? सर मैं यही बोल रहा था। अच्छा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। अब आप इस 10 को इधर ले जाओ, 10√3 माइनस 10, यहां से 10 ले लिया कॉमन, ये हो गया √3 -1। √3 क्या हो गया, अब उन्होंने बोला आपको √3 की वैल्यू 1.732 आप ले सकते हैं, तो ठीक है √3 की वैल्यू 1.732 ले लिया -1। x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732 -1 कितना हो गया, 0.732। यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब दो जीरो हैं, 7.32। तो x इज इक्वल टू 7.32 मीटर, कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया, 10 मीटर की तो बिल्डिंग ही है, और 10 मीटर के ऊपर है आप, के ऊपर आपने 7.32 मीटर का फ्लैग भी लगा दिया, है ना। पता नहीं बिल्डिंग का जो ऊपर का सीमेंट है वो उसको झेल पाएगा या नहीं, है ना, यहाँ का तो नहीं झेल पाएगा, यहाँ का तो ये कील ठोक देते हैं तो उससे झड़ने लगता है सब, ऐसा है सब जगह ऐसे ही है। हाँ बस ऐसा ही बुरा हाल है वो जो, हाँ यहाँ पर क्या है ना, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो भी रहता है उसको अपने आप में हल्क वाली फीलिंग आती होगी, क्यों, क्योंकि जैसे हल्क फिल्म में दिखाते थे ना, हल्क दौड़ता था दीवार से टकराता था दीवार टूट जाती थी, यहाँ की भी ऐसी है, तो ऐसा ही है। हमारे तो ऊपर वाले में गुड मॉर्निंग गुड नाइट के टाइम जो होती है ना, हाँ डब 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 शुरू हो जाते हैं। वो तो यहाँ भी होता है। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।